आप में से जो लोग डिजास्टर मूवी देखना पसंद करते वो लोग ट्विस्टर्स मूवी एक बार देख सकते। ये 1996 में रिलीज होने वाली ट्विस्टर मूवी का सीक्वल है, लेकिन जो पहला वर्षन है उसे देखना जरूरी नहीं, ये बिल्कुल एक नया स्टोरी है। जो लोग डिजास्टर मूवी लाइक जो तूफान में कैसे होता है, मतलब जब टॉर्नेडो या उस प्रकार के जो तूफान आते हैं उस प्राइम में क्या होता है, उसको किस तरह से झेला जा सकता है, इस मूवी में दिखाया गया है। कुछ साइंटिस्ट है जो है वो टॉर्नेडो के बारे में रिसर्च करना चाह रहा है और उसे किस तरह से काबू में किया जाए और उसके द्वारा जो डेटा उन लोगों के पास आए वो किस तरह से ह्यूमन की भलाई के लिए यूज किया जाए, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी में ना शुरुआत में जो टॉर्नेडो का जो सीन है और आखिर में जो सीन है वो दोनों लाजवाब है, नो डाउट, बिल्कुल लाजवाब है। जिस तरह से उसको दर्शाया गया, जो वीएफएक्स डाला गया है और आखिर का जो, खास करके मैं क्लाइमेक्स का जो सीन है उसके बारे में बात करूंगा, जिस तरह से थिएटर के अंदर का सीन दिखाया गया है कि यहाँ पे थिएटर चल रहा है और लोग टॉर्नेडो से बचने के लिए वहां पे नीचे छुप गया है, चेयर पकड़ कर खड़ा है और वहां पे थिएटर में एक फिल्म भी चल रहा है और वो जो पर्दे जिस जगह पे लगा हुआ है वो जगह बिल्कुल मतलब तूफान से वो जगह बिल्कुल खाली हो जाता है, दूर से वो तूफान ही दिख रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मतलब बहुत ही बेहतरीन सीन है, किस तरह से कार ऐसे हवा में उड़ रहा है, फिर एक इंसान ऐसे थोड़ा सा वो थोड़ा ऊपर होगा, मतलब टॉर्नेडो के टाइम में जब जोर से तूफान आता है तो नीचे रहना चाहिए, एकदम जमीन के साथ लगे हुए सटे हुए रहना चाहिए, तो थोड़ा ऐसे सर उठाया और वो उड़ के चला गया। तो इस तरह का कई सारे अच्छे अच्छे सीन है। मैंने जैसे कहा कि जो लोग डिजास्टर मूवी देखना पसंद करते वो लोग ये मूवी देख सकते, लेकिन बाकी जो जगह पे जो टॉर्नेडो का सीन है वो उतना खास नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि देखिए, ये तो टॉर्नेडो मूवी एक डिजास्टर मूवी है, तो जनरली जो टॉर्नेडो का सीन होगा वो तो उन लोगों पैसा खर्चे उसमें करेंगे, वो तो अच्छे ही तरीके से करेंगे और यहाँ पे भी है भी, लेकिन बाकी जो मूवी का जो स्टोरी है उसमें ना इमोशन की बहुत कमी लगा मुझे। किसी भी कैरेक्टर के साथ आप रिलेट नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ देर बाद लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा कि कब तूफान आएगा थोड़ा देखेंगे, ऐसा ही लगेगा। लेकिन बाकी जो जगह है, जो कैरेक्टर का जो जर्नी है, ऐसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा क्योंकि कैरेक्टर का जो राइटिंग है उतना डेप्थ नहीं है। एक्चुअली इमोशन कैसी जगह पे भी थोड़ा भी वर्क नहीं किया इस मूवी में, यही इस मूवी का सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे तूफान या टॉर्नेडो को दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, खास करके जैसे मैंने क्लाइमेक्स में और स्टार्टिंग का सीन में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नाम रखा गया ट्विस्टर इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दो दो टॉर्नेडो एक साथ आखिर में दिखाया जाएगा, तो उसलिए इसको नाम रखा गया है ट्विस्टर्स। तो ये काफी अच्छा मूवी है, डिसेंट मूवी, जो लोग डिजास्टर टाइप का मूवी देखना पसंद करते हैं वो लोग एक बार ये मूवी देख सकते हैं, बड़े पर्दे में ये मूवी तो जरूर अच्छा लगेगा, खास करके जो टॉर्नेडो का सीन है वो तो काफी अच्छा है और इस वजह से मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ट्विस्टर्स मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।